हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आप देखो रसोई में कितने सारे व्यंजन तैयार कर रही है मम्मी जी, और ये देखो सबसे ज्यादा तो ये है कि आज शक्ति खाना नहीं खा सकती, बनाना नहीं चाहती, पर आज सोनम की दौरा नहीं आई है, देवर दौरा नहीं आया इसलिए बनाना पड़ा। तो गाइस मैं क्या करूँ, मैं खा तो सकता नहीं हूँ, बस ये पूड़ी देख सकता हूँ, ऑयल वाली होती है, और ये छोले की सब्जी है यहाँ पे, ये मिर्ची है, इनको देख देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बॉडी बनानी है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। देसी घी के पुए हैं, देखो मीठे वाले पुए हैं, देसी घी के। मेरी डाइट देखो ये, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। तो गाइस खीर भी बना रखी। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ आज घर के अंदर क्या क्या चीजें बनी हुई है। देखो ये छोले की सब्जी है, खीर है, पूड़ी है, और ये मिर्ची भरी हुई मसाले वाली जो बहुत टेस्टी लगती है, अचार है। सोनम से मिलने के लिए जलाल आया है और मोजंदा आई है। तो गाइस आज हमारे घर में तीन जने आए हैं नए मेहमान, एक छोटा सा बच्चा आया है, मोजंदा आई और जलाल आया जिनको आप जानते हैं शुरू से। और आज हमारे घर में पूड़ी, छोले की सब्जी, खीर, पुए, अचार, मिर्ची, बहुत सारी चीज बनी है। ये सिर्फ मुझे दिखा दिखा के है ना, बस जला रही है क्योंकि मैं खा तो सकता हूँ नहीं। मैं भी अभी गाइस जिम से आया हूँ, देखो मेरे माथे पे भी पसीने आ रहे हैं, बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ आजकल। गोल के आड़े कोई नहीं आ सकता, चाहे खीर हो, पूड़ी हो। गाइस मैं भी आपको बता दूं, कल हम आए थे सोनम के टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी। तो गाइस अभी सोनम की रिपोर्ट आ गई है, तो सारी रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करनी है। सोनम की सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली, अब घर पे जाके देखेंगे कि इनके अंदर है क्या। सो गाइस हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया, अभी फिनिश कर लिया, और अब इनकी जाने की बारी आ रही है, और जाते टाइम तो कुछ ना कुछ यार हम देते ही। मेरी देवरानी आई थी गांव से, आई आर्यन वाली वीडियो में आप लोग देखते हो कि भाई मेरी भाभी, मेरी भाभी भी घर पे आए थे, ये और जयलाल, जयलाल की वाइफ है। सो अभी इनका जाने का टाइम हो रहा है। अभी हमने मतलब मैंने लुगड़ी की दुकान खोल ली है, तो मैं इनको चूज करवाने के लिए लाई हूँ कि भाई तू है ना, तेरे को जो पसंद हो ना उस लुगड़े पे हाथ रख, वो लुगड़ी तेरी। हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। देखो यहाँ पे एक दो तीन चार बहुत सारी वैरायटी है। हाँ, और मैं भी पहनती हूँ, आप लोगों को पता है लहंगा लुगड़ी जिसको बोलते हैं, इसके साथ ब्लाउज, लहंगा और लुगड़ी, एक पे हाथ रख दे वो तेरी। जेठ जी जो वो वीडियो शूट कर रहे थे उनके सामने बिल्कुल लुगड़ी ओपन नहीं करेंगी। अभी इन्होंने अपना मुंह ओपन कर दिया, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो ये है मेरी क्यूट सी देवरानी, आप क्यों आए बताओ? इसलिए हमसे मिलने के लिए आए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसे पहली बार आई, तो जयलाल को भी कपड़े बनते हैं हमारे, इसको भी बनते हैं, बच्चे को भी लाई दो जोड़ी कपड़े। क्या लेके आए हो? ई लाला कपड़ा। क्या है ई लाला कपड़ा? हमारी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ई लाला कपड़ा। यार हमारी लैंग्वेज तो ई लाला का कपड़ा, ई लाली को कपड़ा, ऐसे ही चलते हमारी लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज ये वाले कपड़े जयलाल के लिए, ये पैंट शर्ट वाले कपड़े ये तेरे हैं भाई। अरे दीदी मम्मी ने दीदी एक ही बात है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में मम्मी टेस्ट करवा के आए थे, और भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एनेमिक रहती है, खून तो इसके अंदर कम है, मेरा खून बराबर पीती है लेकिन फिर भी खून कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरों का खून पीने से खून नहीं आता। कोई सब्सक्राइबर का किसी का खून पीना चाहे कि कोई अपनी बलि देने के लिए तैयार है तो संपर्क कर ले रहे इसे सोनम जी को इंस्टाग्राम पे, तो ये खून पीना चाहती है, खून की कमी है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन अपना खून पिलाएगा, मुझे बताना, ठीक है मैं खून पी लूंगी। वैसे एच बी है ना कितना कम आया है इसका, है 9.7, और जो रेंज होती है वो है 12 से 15 के बीच में, एंड प्रेगनेंसी के लिए एटलीस्ट 10 तो होना ही चाहिए। भाई इसको दबा के तो अनार वनार खिला रहे, सब कुछ खिला रहे, फिर भी इसका नहीं बढ़ रहा, कैसे बढ़ेगा आपका? अरे तो सही, कोई सब्सक्राइबर खून पिलाएगा तो मैं उसको खून पी लूंगी, वैम्पायर हूं मैं। तो गाइस अभी चलते हैं बाहर और इसके कुछ टेस्ट वगैरह भी करवा के आने, डॉक्टर को दिखाएंगे और वो बताएंगे कि भाई ये कम खून को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और बाकी और भी टेस्ट करवाए वो तो हमें समझ में आ नहीं रही। तो ये काफी मोटी सी फाइल है, इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट है, पता चलेगा कि जाके इसके अंदर किस किस चीज की कमी है। तो अभी चलते हैं फटाफट से हॉस्पिटल में, इसका चेकअप करवा के लाते हैं। चले मैडम, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि निकलने का मन नहीं कर रहा, छुपा ले यार सोनम, मुझे माथा भी नहीं छुपा रही, खुद को छुपा रही है। मैं अपनी डेली लाइफ के खर्चों को कुछ हिस्सा बिनोमा से मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि बिनोमा मेरा ट्रेडिंग पार्टनर, मेरे रियल अकाउंट में 24,000 रुपए। आप डिपॉजिट पे क्लिक करके डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन के जो डिपॉजिट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एसेट्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग ग्राफ्स में ट्रेड कर सकते हैं, माउंटेन लाइन, कैंडल बार, आपको इस ग्राफ को देखकर प्रिडिक्ट करना है ऊपर जाएगा नीचे आएगा। मुझे ऐसा लगता है ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा 7,000 रुपीज अपर, और ट्रेड कंप्लीट होने का वेट करूंगा। अंकल 12,740 रुपए। अगर आपको ट्रेड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती हो तो इनका सपोर्ट का फंक्शन है, जहाँ पे आपको चैट, हेल्प सेंटर, कॉन्टैक्ट एंड क्लाइंट एग्रीमेंट मिल जाता है, इनकी कस्टमर सर्विस 24/7 अवेलेबल है। साथ आपको टूर्नामेंट का फंक्शन मिल जाता है, जहाँ पे पार्टिसिपेट करके आप और अर्न कर सकते हैं। अगर आप भी मेरे तरह ट्रेड करके अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया है, जहाँ से आप डेमो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक से डेमो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में $1,000 मिल जाएंगे, जहाँ से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, और एक बार अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो उसके बाद अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करके भी ट्रेड कर सकते हैं। लड़की से ज्यादा ड्रामे है इसके। गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है, बिल्कुल भफकरी होगी गाड़ी।
चल गया सोनम, चल गया बहुत तेज गर्म है भाई। आपको लगता होगा ना ओवर एक्टिंग करता है बंदा, ओवर एक्टिंग नहीं करता। मुझे भी लगता है, इनको क्या लगता है। तू बैठ के देख, पता चलेगा तेरे को। जो सारे टेस्ट है जो आपने लिखे हुए, ये 9.7 है। ठीक है, इतना होता ही है टेस्ट वगैरह सारे करवा लिए और सब कुछ भाई नॉर्मल है। और जहाँ तक बात रही HB की, तो भाई डॉक्टर ने बोला है इतना चलता है, नॉर्मल है और वो बाद में इंक्रीज हो जाएगा। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यार, आपकी प्रेयर से सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ। एंड अभी एक टेस्ट हमें और करवाना है, जिसके लिए अभी हम दोबारा से लेबोरेटरी आ गए। व्लॉग भी यही देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल के, क्या करे भाई इतने चक्कर लगते हैं ना, कुछ टाइम ही नहीं मिलता। इसी खुशी ये लड़की ऐसी है ना, इसलिए ना मेरे को कोविड वाला फॉर्म भरा रही थी वहाँ बिठा के, कोविड वाला फॉर्म क्यों भरवा रही है यार। बाद में भैया ने आगे बताया, भैया वो तो कोविड वाला फॉर्म है, ये फॉर्म तो दूसरा है। अब ये सोनोग्राफी रिपोर्ट लगेगी इस फॉर्म के साथ में, और जो टेस्ट होगा वो 2 दिन बाद में आएगा। गाइस देख लो, पहले ही मेरे में खून की कमी है और 5 डब्बियां इन्होंने भर ली, अब तो आपको मुझे खून देना ही पड़ेगा। सो गाइस मैं अभी रास्ते में अकेले चल रही हूँ क्योंकि मैं वॉक करके जा रही हूँ और गाड़ी चल रही है मेरी बगल में। ऑन द वे है, हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। सो मैंने सोचा अभी वॉक करके चलती हूँ, बिकॉज यार बैठना नहीं है मुझे, हर एक घंटे में चलना है। सो मैं आपको बता दूँ, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश बारिश बारिश, और इतना मजा आ रहा है यार, ट्रैवलिंग में भी मजा आ रहा है आज तो। और हमें सब देख रहे हैं एटलीस्ट के ना, कि मैं पैदल क्यों जा रही हूँ, लड़की पैदल पैदल क्यों जा रही है, या तो मैं गुस्सा हो गई हूँ। थोड़ी बारिश रुकी है तो मुझे वॉक कर लेना चाहिए, बारिश फिर से आ जाएगी। तो मुझे उस पेड़ तक जाना है पैदल पैदल। ऐसा होता है ना कि ट्रैवलिंग में मतलब रुक रुक के चलना होता है, ज्यादा लंबी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको बोला कि तू 1 किलोमीटर नहीं आधा किलोमीटर चल पैदल पैदल, मैं गाड़ी धीरे धीरे चलाऊंगा। तो गाइस बहुत मजा आया, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मौसम बोले तो awesome। आज हमारे घर पे आए हैं हमारे मामा जी की बहू एंड और सब फैमिली वगैरह सब ऑल टुगेदर है, और अभी हम लोग यहाँ पे हैं, सब साथ में ही बैठे हैं। आज बच्चा अभी थोड़ा बहुत रो रहा था, क्यों बिट्टू बिट्टू हाय बोल दो सबको। बिट्टू को 100 रुपए मिल गए, चुप हो गया बिल्कुल। देख बात, बिट्टू अभी पहले बिट्टू पहले बहुत रो रहा था, बट अभी 100 रुपए मिल गए तो बिट्टू चुपचाप हो गया, क्यों बिट्टू। अभी देखो इसको कितना मजा आ रहा है। मैं बता दूं, देखो आर्यन के आज थोड़े थोड़े से मतलब बाइसेप्स थोड़े पंप हो गए, आज इसने मेरे साथ वर्कआउट किया था, और वर्कआउट करके कैसा लगा साई का वर्कआउट? इतना गंदा पहन रहा है, एक लड़की को देख के ना मैं रास्ते में रुका और ऐसे ना पानी कूद रहा था, घुटने टूट गए मेरे। तो क्यों दे लड़की को देख के क्यों कूद रहा था, तेरे को किसने बोला था लड़की को देख के कूद? स्टाइल मार दिया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। केजी अंदर है आपके? ये मेरे मामा के लड़के हैं, इनका नाम रमेश है, पैवे मिलने के लिए, और मम्मी आज काजल वाजल लगा के बिल्ली बनी हुई है बिल्कुल। बच्चे भी देख पैसों को मैं, तू समझते हैं बच्चे भी। जब हम छोटे थे घर पे कोई आता था हमारे को कोई पैसे देता था ना, 100-150 मम्मी करते नहीं नहीं मत लेना मत लेना, मतलब अंदर से ये दूसरी भावना होती है, ले लेना ठीक है। झूठ बोल रही है, अंदर से बोलती थी हाँ ले लेना। ऐसे ही होता है यार, बचपन की चीजें तो बचपन वाली होती है, घर पे कोई भी है पड़ोसी वड़ोसी तो पैसे ले लेना। अच्छा मजाक करो, आप सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो डालूंगा। और अभी भाई हम दिल्ली आ चुके हैं और हमें आए हुए 2 दिन हो गए, मेरे पसीने छूट गए हैं, घर इतना कबाड़ कर रखा था बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया मैंने और शायद मैं शाम के 5 बजे फ्री हुई हूँ, सब कुछ करके खाना वाना बना के। अब आपको घर बिल्कुल चमचमाता दिख रहा होगा, सोनू ने बहुत सफाई करी है, घर के अंदर सब कुछ खत्म हो रखा है, तो अभी बाहर चल रहे कुछ सामान वगैरह लेकर आएंगे। तो गाइज मैं अभी आपको बता दूं यार, मेरी गाड़ी का हो गया था एसी खराब, अभी आर्यन को मैंने बुलाया भाई गाड़ी हम खड़ी करके आए, और सोनम को लग रही थी बहुत तेज भूख, और इसको भी बहुत तेज भूख लग रही, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, तो भाई इसलिए हम आ गए आज पालम में। और सामने आप शॉप देख सकते हो, ऑल टाइम फेवरेट हमारी शॉप है मुकेश अंडे वाला शॉप, जो भाई की शॉप है, वो भाई बहुत ही बढ़िया ऑमलेट बनाते हैं, क्यों भाई यहीं से तो बड़ी बनती है, अंडे हो चाहे मंडे रोज खाओ, अंडे खाओगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंडे खा भी रहे हो आप, टेस्ट तो गाइस देखो आपको ऑमलेट किसी भी एंगल से लग रहा है, देखो कितना अच्छा है, देखो ये इसको क्या बोलते हैं यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा गाइस इसका, पत्ते बोलते हैं। तो गाइस हम तीनों फुकरे आ गए शॉपिंग करने,
गेनिंग ही करनी चाहिए, कटिंग करते ना आंखें निकलने को आ जाती हैं बाहर, ये गेनिंग कर रहा है, मैं कटिंग कर रहा हूँ बाहर निकाल भी देता है। तो मैं आपको बता दूं दिल्ली की लड़कियां कैसे बोलती हैं। ये पाइनएप्पल कितने का लिया? कितने का चाहिए? ये धनिया हो गया, ये तेरा पिस्ता हो गया, हेल्दी हेल्दी चीजें खाया कर। तो आई होप गाइस आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा ज्यादा आपको इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है, मुझे रॉयल शक्ति फिटनेस नाम से, सोनम को सोनम चिकू के नाम से, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।